देखिए भाई लोग, हम लोग बिहार के औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले हैं। हम लोग अभी अभी कर्नाटक में आकर यहाँ पर फंसे हुए हैं। लॉकडाउन होने के कारण हम लोग के पास कुछ खाने पीने के सामान नहीं है। क्या बताएं, 4 दिन से हम लोग एक एक टाइम खाना खाकर आ रहे हैं। कल तो सारा खत्म हो गया, आज पूरा भूखे ही रहेंगे। शायद कुछ हो सके तो हम लोग का सहायता कीजिए। कल हम लोग ना नाइट में दिन डे में नहीं खाना खाए थे, नाइट में ना खाना खाए, अभी तक भी खाना नहीं खाया है। जैसे 11 बज चुका है, खाना नहीं खाया है। हम लोग के पास सर चावल नहीं है तो खाएंगे क्या? भूखे सर हम लोग मर जाएंगे, 6-7 आदमी है, हम लोग मर जाएंगे सर। और रूम मालिक तो आया था पैसा के लिए, हम लोग के पास पैसा नहीं है तो देंगे क्या? बोल रहा है रूम में नहीं रहना है। दुकानदार के पास पैसा बहुत ज्यादा हो चुका है, वो पैसा नहीं कुछ नहीं दे रहा है खाने के लिए। हम लोग बात कल गए थे हम लोग लेने के लिए, बोल रहा है पैसा रहेगा तभी होगा बाबू, ऐसा नहीं होगा। पैसा नहीं है तो देंगे क्या उसके पास सर? हम लोग भूखे हैं सर, मर जाएंगे। देखिए सर, हमारे किचन में कुछ नहीं है, चावल है वो नहीं है, गैस खाली पड़ा हुआ है सर, कुछ नहीं है, देख लीजिए सर। चावल इतना सा, 7 आदमी है, इतना चावल है, कैसे सर हम लोग रहे? पता नहीं लग रहा है, क्या करे, आत्महत्या करे क्या करे, फांसी लगा दे साला, क्या करे, इतना भूखे हम लोग है। 1 महीना काम किए थे वो कंपनी में, 15-16 दिन काम किए थे, 1 महीना नहीं, 1-1.5 महीना हो चुका है, पैसा नहीं दे रहा है। वो बोल रहा है कि हमारे पास पैसा नहीं है, कॉन्ट्रेक्टर पैसा नहीं दे रहा सर। और हम लोग वीडियो बना रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए सर, मतलब कहीं तक हमारे नीतीश सरकार तक पहुंचे, कुछ मदद मिले, एक टाइम खाने के लिए मिले सर, बस और कुछ नहीं हम लोग का सोच रहे हैं।